साक्षी मेहता। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज एक राहत भरी खबर आई है। आज यानी कि 19 सितंबर को कोरोना से संक्रमित होने वाले मरीजों से ज्यादा संख्या कोरोना को हरा कर घर जाने वाले मरीजों की है। देश में हर तरफ कोरोना वायरस है का हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन वहीं इसी हाहाकार के बीच आज एक राहत भरी खबर आई है। देश में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 90,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं, लेकिन इसी दिन इससे ज़्यादा लोग संक्रमण से मुक्त हुए हैं। जी हाँ, केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार सुबह 8 बजे साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में 93,337 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी ओर इसी अवधि में 95,880 लोग संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। इसी के साथ देश में कोविड-19 के कुल 53,08,014 मामले हो गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक अब तक 42,08,431 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। इसी के साथ रिकवरी रेट भी बढ़कर 79.28% हो गया है। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में फिलहाल कोविड-19 के कुल 10,13,964 मरीजों का इलाज चल रहा है, जो संक्रमण के कुल मामलों का केवल 19.10% ही है। देश में तो कोविड-19 की रफ्तार कम होती दिख रही है, लेकिन कोविड-19 के भयानक मामले इंदौर में सामने आ रहे हैं। इंदौर में कल यानी शुक्रवार को रिकॉर्ड कोविड-19 मामले सामने आए हैं। इंदौर में शुक्रवार को कुल 408 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं।